अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आपने अगर ई कॉमर्स वेबसाइट या अपना स्टोर विक्स पे बनाना है तो उसको किस तरह से बनाएंगे और किस तरह से मैनेज करेंगे। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, उसको देखते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें, सिंपल हमने अब लास्ट लेक्चर में हमने विक्स ट्रेनिंग ब्लॉग्स डिज़ाइन किया था। मैं यहाँ पे दोबारा से नई वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अपना जो भी मोटो है मेरा वो मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा और उसके रेलिवेंट ही मेरे पास टेम्पलेट आएंगे। तो ऑनलाइन स्टोर चाहिए, नेक्स्ट कर दूंगा और यहाँ पे मैंने अगेन नेक्स्ट कर दिया। आप यहाँ से स्पेसिफिक भी कोई चूज़ कर सकते हैं किस तरह का स्टोर। तो मैं यहाँ पे स्टोर लिख देता हूँ और सिंपल इसको क्या कर देता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मुझे ऑनलाइन स्टोर का बिल्ट इन ऐप जो है वो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे ऑब्वियसली जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं वहाँ पे सपोर्ट के लिए लाइव चैट भी ज़रूरी है, सब्सक्राइबर का ऑप्शन भी ज़रूरी है और इसके अलावा कोई और ऑप्शन यहाँ से ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं और इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। ये तीनों ऑप्शन मेरे काम के थे, मैंने उसको सेलेक्ट किया और उसके बाद बिगिन विद टेम्पलेट्स। ओके, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स की यहाँ पे टेम्पलेट्स नज़र आ रही हैं। जिस भी तरह का हमें ई कॉमर्स स्टोर चाहिए वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास काफ़ी सारे डिफरेंट स्टोर्स नज़र आ रहे हैं हमें। तो राइट नाउ हमें जो स्टोर पसंद आया है वो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा स्टोर है। इसको हम क्या करते हैं, ये भी जो शॉप, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ राइट, और यहाँ से जो भी प्री मेड सेटिंग्स हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ इन सारी चीज़ों को। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, यूज टेम्पलेट एज इट इज़, कलर्स एंड एवरीथिंग इज गुड। ये लोड होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, हमारा जो कंप्लीट डिज़ाइन है, लेआउट है, वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आ चुका है। अब हमने सिंपल यहाँ पे देखें जो भी एडिट्स करने हैं हम वो कर सकते हैं। आपको बेटर अच्छे तरीके से आइडिया है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वो है ई कॉमर्स वाला मॉड्यूल, कि उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखें शॉप का जो है पेज हमारे पास है, हम सिंपल यहाँ पे आ जाएंगे मेन्यूज़ पेजेस एंड मेन्यूज़, और शॉप के पेज पे जैसे ही जाएंगे तो सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास अगेन वही ऑप्शन आ गया, मैनेज प्रोडक्ट। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास वो मैनेज प्रोडक्ट के ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे भी मिल सकते हैं। अगर मैं वापस यहाँ पे जाऊँ, लेट्स से मैं इसको कट आउट कर देता हूँ क्योंकि मेरा एडिटर तो वहाँ पे मौजूद है। इसको मैं डैशबोर्ड के अंदर जाता हूँ वापस, तो यहाँ पे देखें ये प्रोडक्ट्स के ऑप्शन सेम जिस तरह से पोस्ट के ऑप्शन अवेलेबल थे लास्ट लेक्चर के अंदर। तो यहाँ पे देखें इस डैशबोर्ड के अंदर आ गए हम, और इस डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे हमारे पास करंटली जो सिलेक्टेड है हम हैं विक्स ट्रेनिंग के अंदर। हमें दूसरी वेबसाइट पे चाहिए वो, क्योंकि अभी हमने पब्लिश नहीं की इस वजह से यहाँ शो नहीं हो रही, तो अभी के लिए आपको यहीं पे करने पड़ेंगे। तो ये प्रोडक्ट्स, इन्वेंट्री, कलेक्शन, ई कॉमर्स के तमाम ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ऐड प्रोडक्ट कर सकते हैं, और यही सेम ऑप्शन आपको अपने इस डैशबोर्ड के अंदर भी मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और इसके अलावा बाकी जो सेटिंग्स हैं जैसे हेडर और फुटर, ये हमारा हेडर रहा, लोगो चेंज करना है, ये चेंज करना है, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा दिया। अब यहाँ पे हमारे पास लॉगिन बार है, सेटअप लॉगिन बार, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जो है मेंबरशिप सेटिंग्स, साइनअप सेटिंग्स, वो सारी मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि कौन लोग आके साइनअप कर सकते हैं, अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं मेरे स्टोर के ऊपर, और उनको क्या क्या एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर सकता हूँ, एडिशनल लॉगिन, साइनअप एंड लॉगिन सेटिंग, वो सारी सेटिंग्स मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये था बेसिक्स ओवरव्यू कि किस तरह से आप एक ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हैं विक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई नई वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, तो ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस है, बस एक एक ऑप्शन का जो है डिफरेंस है वो मैं आपका क्लियर करना चाह रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, बारी बारी जब आप एक दो वेबसाइट्स बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, अल्लाह हाफिज़।